अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाए थे करेले, तो हमने सोचा कि क्यों ना रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो आपको बताते हैं, ये हैं आधा किलो करेले, जिनको हमने छिलके समेत काट के, इनको फिंगर चिप्स की तरह लंबा आपने काट देना है। काट के नमक लगा के अच्छे से पानी से धो लेना। धोने के बाद ऑयल आप गर्म करेंगे और इनको दो तीन बार में फ्राई कर लेंगे। एक ही बार में सारे करेले फ्राई नहीं करेंगे। ये देखिए जी, ये हमारे हो गए करेले फ्राई। और इसके बाद जो आधा किलो अगर आप करेले ले रहे हैं, तो आधा किलो ही आप प्याज लेंगे। प्याज को आप अच्छे से भून लेंगे, उसमें टमाटर मिर्च, नमक मिर्च का मैं इसलिए ज़्यादातर नहीं बता रही होती कि हर घर के नमक मिर्च के हिसाब अपने होते हैं, उनके मेजरमेंट भी अपने होते हैं। लेकिन आप यूँ मेरी तरफ से सोच लें तो मैं 1 टीस्पून नमक डाल देती हूँ, 1 टीस्पून मिर्च, रेड मिर्च जो होती है, उसके अलावा जो भी है 1 टीस्पून डाल दें। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन नमक टेस्ट कर दें या मिर्चें टेस्ट कर दें। अच्छा, करेलों को आप अच्छे से जो फ्राई हुए पड़े थे, प्याज फ्राई करने के बाद या मसाला सारा भूनने के बाद आप उसमें करेले जो हैं वो ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने कभी भी छिलके के उतार के करेले नहीं बनाए, हमेशा हम छिलके समेत ही करेले बनाते हैं और कड़वे भी नहीं बनते। सिर्फ उसकी कटिंग आप फिंगर चिप्स में करें, उन्हें पहले अच्छे से पानी से धो के निचोड़ के फ्राई करें। फ्राई करने के बाद प्याज का मसाला वो अलग बना के वही फ्राई किए हुए करेले उसमें ऐड करके, देखिए उसमें अपनी हरी मिर्च भी हमने डाली हुई है, टमाटर भी डाला हुआ है, बाकी जो नमक मिर्च था वो हंसके जायका। नमक ज़्यादा कभी ना डालें, नमक आप कम डालें, क्योंकि हम नमक तो एंड तक चीज़ को चख के फिर भी ऐड कर सकते हैं। हमने आँच हल्की करके इसको दम पे लगा दिया था, बिल्कुल आग हल्की कर दी थी, अंगारे भी ख़त्म कर दिए थे। तो अब देखें जी, हमारे जो करेले थे, अब 10 से 15 मिनट अगर आप बिल्कुल अंगारों पे दम दे देंगे या स्लो आग कर देंगे, अगर आपके पास गैस है, हमारे पास गैस की सहूलत तो है, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो कुकिंग का काम है वो लकड़ी पर ही होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ लकड़ी के हिसाब से। गैस पे भी आप आँच हल्की कर देंगे, उसे 10 से 15 मिनट दम पे रख देंगे, फिर अगर आप इसको आके चेक करेंगे तो ये बहुत मिक्स अप अच्छी सी सब्ज़ी बन चुकी होगी और बहुत टेस्टी होगी, यकीन मानिएगा। मेरी आप आज़मा के देख लीजिए, सिर्फ मैं आपको यहाँ टेस्ट करके नहीं बता सकती, मतलब आपको टेस्ट नहीं करवा सकती, वो तो तब होगा जब आप ख़ुद बनाएंगे। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे, फिर देखिएगा कि इसकी शक्ल किस तरह से निकल आती है। ये अगर आपका सारा सामान रेडी हो तो ये हाफ एन आवर का काम है, आधे घंटे में आप ये सब कुछ बना के रेडी करके सब ख़त्म हो जाएगा आपका काम भी। तंदूर की रोटी के साथ इसको खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। वैसे आप खाएं तवे की रोटी के साथ, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्विक सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में हमसे जाके पूछ सकते हैं। ये देखिए जी, इसकी फाइनल लुक है, बहुत मज़े की और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।